सिद्धार्थनगर में जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि तेज प्रताप सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग करते हुए कहा कि कलेक्ट्रेट में जो वाहन स्टैंड है उसे हटा दिया जाए जिससे वसूली बंद हो सके। उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो मैं पैदल सिद्धार्थनगर से लखनऊ के लिए निकलूंगा और राज्यपाल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलूंगा, इसकी शिकायत करूंगा। वहीं जो वाहन स्टैंड बनाया गया है, लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं, जहां एक तरफ कोई फरियादी जाता है तो दूसरी तरफ अपने वाहन को खड़ा करने के लिए शुल्क देना पड़ता है। सिद्धार्थनगर से संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। मैं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि हूँ लोटन ब्लॉक सिद्धार्थनगर। मेरा मांग यह है कि जो यहाँ कलेक्ट्री परिषद में बैरियर और वाहन स्टैंड बनाया गया है इसको हटा लिया जाए। इसलिए हटा लिया जाए कि क्योंकि देखिए यहाँ पीड़ित व्यक्ति ही आता है, तहसील हुआ, ब्लॉक हुआ, अस्पताल हुआ, कलेक्ट्री में अगर डीएम साहब से मिलना हो, एसडीएम साहब से मिलना हो तो पीड़ित व्यक्ति ही आता है। अब बताइए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो क्या वह डीएम साहब से एसडीएम साहब से नहीं मिल सकता है? यहाँ तक कि एक गरीब आदमी 50 किलोमीटर चल करके साइकिल से वो आ रहा है, वो किसी तरह से 107 का मुकदमा देखने साइकिल से आ रहा है तो उससे पहले 10 रुपया ले लिया जा रहा है, तब उसको अंदर आना आया देर तो अगर उसके पास पैसा होता तो क्या वो साइकिल से आता? इस ठंडी में तमाम लोग, आप वहाँ स्टैंड पर देख लीजिए, तमाम साइकिलें वहाँ ठड़ी, 10-10 रुपया लोग ले रहे हैं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? हाँ देखिए, अगर मेरी मांगे नहीं पूरा हुई तो लोकतंत्र के व्यवस्था के अनुसार मैं सिद्धार्थनगर जन्म यहाँ मुख्यालय से पदयात्रा करके लखनऊ जाऊंगा और लखनऊ राज्यपाल को ज्ञापन दूंगा और मुख्यमंत्री को भी दूंगा। अगर मिल लेंगे तो कहेंगे सर वहाँ सिद्धार्थनगर से जो बैरियर लगा है वो गरीबों का शोषण हो रहा है, उसको हटाने का काम किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी।